हेलो दोस्तों, यम फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं यमी और टेस्टी सा सैंडविच ढोकला। सो नॉर्मल ढोकला तो सबने सुना होगा, बट ये सैंडविच ढोकला नया है दोस्तों। तो पहले हम डोसा बैटर लेंगे, उसमें सॉल्ट, जिंजर पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट डाल के मिक्स कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो और उसे अच्छे से मिला लो। और उसे अच्छे से मिलाने के बाद हम फर्स्ट लेयर रखेंगे। उससे पहले हम स्टीमर को 10 मिनट के लिए गर्म कर देंगे और प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और हम फर्स्ट लेयर को हमें पतला ही रखना है, क्योंकि हमें दो और लेयर लगानी है दोस्तों। तो पहले मैं ये वाइट नॉर्मल डोसा बैटर लगा रही हूँ, उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। लेयर पतली ही रखनी है दोस्तों और उसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए रखेंगे। अब हम दूसरी लेयर के लिए बीटरूट पेस्ट लेंगे। उसमें डोसा बैटर डाल के थोड़ा सा सॉल्ट, ग्रीन चिली पेस्ट डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आफ्टर 3 से 4 मिनट्स ये सेकंड लेयर हम अच्छे से लगा लेंगे। आप देख रहे हो कि ये अच्छे से स्प्रेड हो रही है, क्योंकि नीचे वाला हाफ कुक हो चुका है। ये लेयर भी पतली ही रखनी है दोस्तों। अब इसे वापस 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब वापस से हम वाइट लेयर लगाएंगे। आप चाहे तो स्पिनाच की लेयर भी लगा सकते हो दोस्तों, और कैरेट की भी। उस पर थोड़ा सा सेसमे सीड्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड रेड पेपर से गार्निश कर लो। अब ये ढोकले को और 5 से 7 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दो। तो आप देख सकते हो कि ढोकला बहुत अच्छा खिला खिला तैयार हुआ है दोस्तों। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको थाली की साइड से अलग कर लेंगे पहले। और इसको छोटे छोटे से पीस में कट कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।